गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, जो कि एक जन्मजात डिफेक्ट होता है जो जन्म से पहले या जन्म के उपरांत हो सकता है यूनिट्स में। सबसे पहले लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो कॉन्जेनिटल एबॉर्टिव आल्सो कॉल्ड इज कॉन्जेनिटल एबॉर्मी के नाम से भी कहते हैं, या बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट जो आफ्टर द बर्थ या कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन नॉर्मली पर या नॉर्मली सीन द आफ्टर द बर्थ या बिफोर द बर्थ पहले यूनिट्स में हो सकती है। नेक्स्ट, जो कॉन्जेनिटल जो मींस होता है बर्थ इटसेल्फ नेक्स्ट जो एनोमली है उसका मीन्स होता है एबनॉर्मलिटी। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बर्थ इटसेल्फ और एनोमली का मतलब एबनॉर्मलिटी। जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है या मालफॉर्मेशन है वे माइल्ड सीवियर एंड मॉडरेट कंडीशंस में प्रजेंट होते हैं। अगर माइल्ड कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन को हम उसके जो कंडीशन सिम्टम है हमें सीन नहीं होते, दिखाई देते, और ये जो कंडीशंस है काफ़ी इसका ट्रीट वेल नहीं होता। नेक्स्ट है सीवियर। सीवियर से हमें इमिडिएटली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं करें तो लीड टू मे बी डेथ, यानी न्यूरेट्स की डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट नहीं करें। नेक्स्ट है आपके इसमें इंसिडेंट्स, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन इंसिडेंट्स IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग टू जो इंसिडेंट्स है वो 3-5% है, जो यानी इंडिया में इन इंडिया द बर्थ नियोनेट्स टू इंसिडेंट जो रेट्स है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन की 3-5% है, और वो डे बाय डे अभी इस स्थिति में बढ़ ही रही है। नेक्स्ट है आपके इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में दो रीजन है, पहला है जेनेटिक, दूसरा है एनवायरनमेंट। पहले मैं जेनेटिक क्यों ले रहे हैं, जेनेटिक यानी जन्मजात जो होते हैं जिसके कारण से ये जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन जो है डेवलप होता है। तो पहले है जेनेटिक। जेनेटिक में क्रोमोसोम में जैसे कि एग्जांपल के लिए डाउन सिंड्रोम के द्वारा ये जेनेटिक डेवलप होती है। दूसरा है सिंपल या सिंगल 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 जीन डिसऑर्डर। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसीवर यानी रिसीवर फैमिली द्वारा प्राप्त करना डोमिनेट, यानी उसके अंदर एक गुणसूत्र के अलावा जो एक्स्ट्रा पेयर होता है उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें एग्जाम्पल के लिए पॉलीसिस्टिक किडनी जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो, और ऑटोसोमल रिसीवर में एग्जाम्पल के लिए सिस्ट फाइब्रोसिस है, माइक्रोसेफेली है, जिस प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज है ये डेवलप होती है। नेक्स्ट है सिंगल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस में पहला है जैसे एक्स डोमिनेंट ट्रेट, जैसे एग्जांपल के लिए जो है हेरिडिटी हेमोफिलिया या हाइड्रोसिफिलस। नेक्स्ट है एक्स रिसीवर ट्रेट, एग्जांपल के लिए हेमोफिलिया ए एंड बी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण से जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन एबनॉर्मलीज है वो डेवलप होती है जेनेटिक। उसके बाद देते हैं एनवायरनमेंट। दूसरा एनवायरनमेंट, पहला रोज कॉज ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, अगर ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान लेती है तो इस प्रकार की एनवायरनमेंट डेवलप होती है। दूसरा जो इंटरयूटराइन इन्फेक्शन जैसे कि स्टोन
मेंटल डिजीज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या डायबिटिक मेलिटस है, एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस का असामान्य होना, पोल्यूशन ऑफ द एयर एंड मेंटल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग से या लिकोज वगैरह है, इस कारण से ये जो है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन या कॉन्जेनिटल एनोमली डेवलप होती है। तो दो रीजन हम देखें, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। अब लेते हैं हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस प्रकार करते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा हम लिटल की जो है कंडीशन इन लिटोरों के द्वारा अल्ट्रासाउंड द्वारा देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई डायग्नोसिस। दूसरा ब्लड सैंपलिंग, रेडियो ग्राफिक, इसमें एक्सरे है, सिटी स्कैन है, हमारा ये जो भी होते हैं वो इस प्रकार की मशीन लगा देख सकते हैं। ब्लड सैंपलिंग हो गई, नेक्स्ट है आपके क्रॉनिक ब्रीदर्स सैंपलिंग टेस्ट है, जो कि एक जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए जो मशीन डायग्नोस किया जाता है। एमिनोसिंथेसिस स्टडी है, वो भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के लिए किया जाता है। अल्फा क्रिप्टोप्रोटीन और न्यूरोट्यूबुल डिफेक्ट, अल्फा प्रोटीन जो लिवर डिफेक्ट है उसको डायग्नोस करने के लिए हमें ये इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। नेक्स्ट फिटोस्कोपी, हम डायग्नोस के द्वारा भी हम प्रोजेनिटर मार्करों को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड क्रोनिक रीनस सैंपलिंग सैंपलिंग टेस्ट, जो कि टेस्ट है वो प्रोजेनिटर एब्नॉर्मलिटीज को पता करने के लिए करते हैं, या जो क्रोमोसोमल गुणसूत्र जो असमानता उसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। अब है लिस्ट ऑफ द कॉमन कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन या कॉन्जेनिटल एनोमली। पहला है कॉन्जेनिटल एनोमली ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हैं, स्पाइनल बाइपेड हो गया, सेफिली हो गया, मैक्रोसेफिली हो गया या माइक्रोसेफिली। दूसरा है कॉन्जेनिटल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें वीएसडी यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स है, आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट्स जैसी कंडीशन है, या एरोटिक स्टोनोसिस है, पुल्मोनरी स्टोनोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। थर्ड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें है इसोफेगियल आर्टरीज है, पाइलोरी स्टेनोसिस है, इलेक्ट्रॉन लीक है, ब्लैकर सर्फेस है, ओम्फैलेसिस है एंड ट्रेकियोसिकुलर फिस्टुला है। नेक्स्ट है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि अंडिसिमिटास्टिस, कॉन्जेनिटल फाइमोसिस, हाइपोस्फिटेसिस, एपिस्फिटेसिस, एट्रोफी ऑफ ब्लैडर, पॉलीसिस्टेटिक किडनी। नेक्स्ट है वास्कुलरोस्केलेटल सिस्टम्स, इसमें कॉन्जेनिटल क्या है, क्लेफ्ट फुट है, क्लेफ्ट फुट एंड प्लेट सिरोसिस एंड कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, इसमें डाउन सिंड्रोम्स यानी कि ट्राइसोमी 21 एडवांस सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 18, क्रीन क्रेटर सिंड्रोम, पेटेटो सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13। नेक्स्ट लास्ट है कॉन्जेनिटल एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि डायबिटिक मेलिटस, कॉन्जेनिटल हाइपर थायरॉइडिज्म कंडीशंस जो कि थायरॉइड में हो सकती है। तो ये कॉमन लिस्ट ऑफ कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज है। कॉन्जेनिटल पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, इंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसी के साथ दिस यूनिट इज कंप्लीट टुडे एंड फर्स्ट क्लास इन पीपीडी एनआईसीयू यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट। आज दो टॉपिक्स लिए गए हैं, एक पीपीटी के द्वारा, दूसरा अपने वीडियो क्लासिंग के द्वारा, इसमें के साथ में ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम कल से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ यूनिट, ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हुई है। थैंक यू एवरीवन।